अभी स्पेशल मैसूर पाक खाया था, अब ये कौन सा? मिल्क एंड घी, मिल्क एंड घी मैसूर पाक। यस, टेक दैट। वाओ, इसमें तीन फ्लेवर हैं ना? Which flavors? Two flavors are there in there. One is special Mysore pak. Special Mysore pak and no milk and ghee Mysore pak. Milk Mysore pak and ghee Mysore pak. One besan. One. It is made up of besan. Besan. Ghee, yeah, ghee, sugar, besan. Oh. Only three ingredients. And इसकी सबसे अच्छी बात ये है इसमें ज़्यादा मीठापन नहीं है. Yeah. Very less sweet. Yeah. And दोस्तों मैं आपका दोस्त मिस्टर सुरेश पुरी आपका साथ करते मेरे YouTube साथ, तो भाइयों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा मिठास से भरपूर वीडियो होने वाली है। तो आज जो है हमने आज की नहीं, हमने कल रात में खाए थे मैसूर पाक, जो बहुत ही स्पेशल मिठाई है यहाँ की, बहुत ही ट्रेडिशनल मिठाई है जो कि मैसूर की है। और ये एक तरीके से कैसे बनती है इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। भाई ने मतलब पूरा वीडियो में बताया है किस तरह प्रकार से बनती है, किस प्रकार से नहीं बनती। तो इस वीडियो में हमने पूरा जो है रिव्यू मैसूर पाक का दिया है। जब हम काजू कतली तो भाई अपनी उसका अलग रुतबा है, उससे कंपेरिजन नहीं करेंगे। काजू कतली भी ये समझ लो काफ़ी तरीके की वैरायटी आती है, केवल एक वैरायटी नहीं है। तो मेरे को इसमें मैसूर पाक स्पेशल वाला मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्ट लगा, बाकी सब तो ठीक थे, नॉर्मल थे। मैसूर पाक स्पेशल को मैं 10 में से 10 मार्क्स देना चाहूँगा। सो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हो किस प्रकार से मैसूर पाक की स्वाद और लाजवाब क्या क्या है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दिस इज अवर मैसूर पाक। वो दुकान में लेना भूल गया, उसको मैं दिखा दूंगा अभी। इसमें तीन फ्लेवर हैं ना? Which flavors? Two flavors are there in there. One is special Mysore pak. Special Mysore pak and no milk and ghee Mysore pak. Milk Mysore pak and ghee Mysore pak. One one piece of all. Yeah. Wow, very beautiful. So this is the Mysore pak. You can see. बहुत नाम सुना था, आज खाने के लिए मिल रहा है साथ साथ. Directly from the generator. Not generator. Creator of Mysore paks. ये जिन्होंने मैसूर पाक को बनाया था उन्हीं की दुकान से हम लेके आए हैं। हाँ, गुरु स्वीट शॉप, बहुत ही प्राचीन दुकान है और ऐतिहासिक। ये चार पीढ़ियों से उनका मैसूर पाक का बनाने का काम है। चार पीढ़ियों से। यू नो हाउ इट वाज इन्वेंटेड? वन डे द किंग वाज देयर, दिस गाय हु इज सेलिंग, हिज एंसेस्टर वाज द कुक इन द आस्थान, लाइक इन द किंग्स एम्पायर, किंग्स कोर्ट। So he said, I am getting to, I mean, I'm feeling to eat something different, something sweet. I want something new. I have already eaten all jangir or something. I want something new. And then those kind of days, you know, people used to get afraid. Of kings. Yes. Kings said like that, what should we do? If you don't drink, your head is gone. So he got very anxiety and anxious. And then he got, not anxious, I think, he got very afraid. So he went to the kitchen and then he started cooking something with, he poured something he done, and then he got this fit. Oh yeah, it is a random dish. Yeah, it's a random dish. And he didn't even know, I mean, he didn't what even to care call it. Oh yeah, what to call it. So he asked, I have prepared something, I don't know what is this name. So he said, the king said, it is done by Mysore. So you take it as Mysore pak. You know what is the meaning of pak? Pure. Park, no, park means pakshala. What do you say? Pakshala. Why park means pakshala. Ah, got it. Where something is cooked. Ah. Pakshala. Okay. So Mysore mein cooked. Pakshala. Pakana. Pak pakana. Yes. Oh. Mysore mein it got तो मैसूर पाक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैसूर में इसको पाक किया गया था, बनाया गया था। और मतलब इट वाज नेम्ड बाय किंग, इट वाज प्रिपेयर्ड। और ये जो किंग थे मैसूर प्लेस के, उन्होंने इसका नाम रखा था। एंड आई शोड द फोटो, व्हाटएवर यू आस्क्ड देयर, दैट फोटो, दैट इज द गाय हु प्रिपेयर्ड। हां, मैंने फोटो का, मैंने फोटो खींच लिया था, वो भी मैं ऐड कर दूंगा, आपको दिखा दूंगा। उसमें पूरा उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। हिस्ट्री, देयर इज अ फोटो। सो वी शुड नाउ ट्राई दिस। या फर्स्ट यू टेल मी द फ्लेवर एंड देन ईट। दिस इज द स्पेशल मैसूर पाक। दिस इज द स्पेशल मैसूर पाक। ओके, लेट अस हैव सम। डोंट ईट विद द बर्ड शिट हैंड। No, this is my right hand. I am eating from the left it hand. It will get this much, like, because it's completely green. Just taste it. Just wow. Unbelievable. You don't have to use your teeth. Yeah. You can see. You want some more? Oh. He is trying the road. You give it to us, we will. And I'll give you the other flavor. Okay? Abhi special Mysore pak khaya tha, abhi ye kaun sa? Milk and ghee. Milk and ghee Mysore pak. Yes. Take that. Wow. स्पेशल वन वाज ग्रेट। ग्रेट स्पेशल, यू लव्ड इट। फॉर दिस द स्पेशल थिंग व्हाट यू सर, दे डोंट ऐड मिल्क, दे ओनली डू दिस विद व्हाट इज दैट, व्हाट यू कॉल फॉर द कोआ,
No, not Kova. They don't use Kova for any of this. Mm-hmm. They only use for that. Mm. Besan. It is made up of besan. Besan? Ghee, sugar, besan. Oh. The three ingredients. And the best thing is, it doesn't have much sweet. Yeah. Very less sweet. Yeah, and it's completely perfectly texture. Mm-hmm. Everything is good. तो हमने मिल्क टेस्ट करी और स्पेशल टेस्ट करी तो मेरे को अच्छी तो दोनों लगी पर स्पेशल वन 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 वाज वेरी गुड. दिस इज मिल्क वन. ये मिल्क यू लाइक दिस राइट? इससे पिछली वाली घी वाली थी. या अब देखते हैं मिल्क. सो यू गाइस आल्सो एंजॉय. ओके वेरी या डोंट मिस इट. वेरी गुड. और खाना है स्पेशल वन दो डालो. स्पेशल कौन सी? टेक दिस वन. ये दिस स्पेशल है. या you have in your room so that you won't be missing it. Yeah, it will not spoil light. No, it will be okay. This is milk. 3 to 4 days. Okay, that's bro fine. This is milk. Yeah, that is milk and ghee. I brought it purposefully with extra. Bhai kaju katli fail hai iske samne. Kaju katiya. Want to show that or not? Okay, this is badam. Haan, ise aur dikhaiye. Haan, ye badam barfi hai. Ye Mysore Pak se hi mehgi hai. Yeah, see. Haan, ye 20 rupaye ki ek padi hai. Yes. काजू कतली आती है. काजू बर्फी. ये काजू बर्फी नहीं है, बादाम बर्फी है. थाउजेंड रुपीज पर के जी और ये मैसूर पाक है 600 रुपीज पर के जी. जस्ट वाओ. सबसे अभी तक तो सबसे बेस्ट काजू कतली लगती थी बट इसे खा के स्पेशल वन वेरी गुड. और भाई वगैरह की मैं वीडियो नहीं बना पाया. अचानक से दिमाग में आया कि एकदम मतलब रास्ते में दिखा कि भाई मैसूर पाक की दुकान है तो ट्राई करके देखते हैं. अगर नेक्स्ट टाइम मैं पूरी प्रोफेशनल वीडियो बनाऊंगा, ए टू जेड दुकान दिखाऊंगा कैसे बनता है क्या है. अगर आप डिमांड करोगे तो नेक्स्ट वीडियो अगेन मैसूर पाक पे लाएंगे और कम से कम 4-5 बंदों का रिव्यू लूंगा मैं कि कैसा इसका स्वाद है कैसा नहीं है. तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. सी यू नेक्स्ट व्लॉग. बाय.